So, in this video, we are going to discuss how to measure angle in XY plane. XY plane में angle कैसे measure किया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास convention है. Convention क्या है? पहला part है इसका कि angles should be measured from positive x axis. As a standard, हम angle कहां से measure करते हैं? Positive direction of x axis. और दूसरा convention है कि angle measured in anti-clockwise direction is positive. जो angle anti-clockwise direction में measure करोगे वो positive होगा और जो clockwise direction में measure करोगे वो negative होगा. जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से measure करोगे तो negative है और घड़ी के opposite direction में positive है. तो for example अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो angle measure करेंगे कहाँ से? x axis से, anti-clockwise direction में, मतलब इस तरीके से. अगर मैं यहाँ पे एक point ले लूँ, let's say point P है, point P के coordinate से मान लेते हैं x, y, तो सबसे पहले तो x और y दोनों positive होंगे. क्यों? Because point P is lying in the first quadrant. First quadrant में x और y दोनों पॉजिटिव होंगे. although ये irrelevant है हमारे इस concept के हिसाब से, but फिर भी first quadrant में है, इसलिए ये x और y दोनों पॉजिटिव होंगे. मुझे बताना है ये point P किस angle पे lie करता है. तो इस point P की location बताने के लिए हम origin से इस point P को इस तरीके से join कर देंगे. ये हमने join कर दिया इसको. अब एंगल कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाएगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना टर्न करी है. बिकॉज एंगल इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ टर्न, कितना टर्न किया है, इतना टर्न किया है. तो ये हो गया आपका एंगल थीटा. और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव. मतलब अगर आप अपना प्रोट्रैक्टर यूज करके ये एंगल मेजर करें और मान लेते हैं आ जाता है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? प्लस 60 डिग्रीज. सिमिलरली अगर कोई दूसरा पॉइंट यहां लाई करता है Q, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्योंकि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका x पॉजिटिव होगा पर y नेगेटिव होगा. y नेगेटिव होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इस पॉइंट q का लोकेशन अगर हम मेजर करें तो ओरिजिन से ये पॉइंट q इस तरीके से लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है. एंगल कैसे मेजर करेंगे इसके पोजीशन का? तो एंगल मेजर करेंगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से. और क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से इस पॉइंट q तक आने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं मेजर करने पे 45 डिग्री आता है, तो ये एंगल हो जाएगा -45 डिग्री. क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कोई पॉइंट यहां है तो वो कहां लाइक कैसे मेजर करोगे उसका एंगल? इस तरीके से कनेक्ट किया, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? इस पॉइंट लेट से आर है, इसका एंगल, ये पूरा एंगल. तो अगर आप इसको मेजर करते हो एंगल को, तो 90 डिग्री प्लस थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा, पॉजिटिव में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो क्या इस पॉइंट क्यू का एंगल सिर्फ -45 डिग्री हो सकता था कि कुछ और भी हम इसको मेजर करके बता सकते हैं? तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करें तो इस पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए हमें कैसे मूव करना पड़ेगा?
यहां से शुरू किए 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री। अब क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इस पॉइंट Q का एक और एंगल क्या लिख सकते हो आप, 270 प्लस 45 मतलब 315 डिग्री, कि पूरा एंगल कितना हो गया 315 डिग्री। दैट मींस चाहे आप इस पॉइंट Q के लिए माइनस 45 डिग्री बोलें चाहे 315 डिग्री बोलें, बात एक ही, माइनस 45 डिग्री इज सेम एज प्लस 315 डिग्री। तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो एंगल को, क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो, पर अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो देन वी मस्ट पुट अ नेगेटिव साइन। ये आपका एंगल के मेजरमेंट का साइन कन्वेंशन है।